आज की वीडियो शिव और शक्ति के भक्तों के लिए बहुत खास है। बहुत गूढ़ और दुर्लभ रहस्य जो शिव और शक्ति के संबंधों का है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे इनके हर भक्त को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण रूप से अगर भोलेनाथ की और माँ की कृपा पानी है तो इस रहस्य को समझना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ भगवती की 10 महाविद्याएं संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। पुराणों के अनुसार शिव को शक्ति के बिना अधूरा माना गया है। शिव जी के 10 रौद्र रूप इन 10 महाविद्याओं से संबंधित हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं और शिव जी के 10 रौद्र अवतार हैं, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका क्या गूढ़ रहस्य है। साथ ही जानेंगे हमारे ऊर्जा शरीर में शिव और शक्ति किस प्रकार से विद्यमान है और कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, अपार करुणा की मूर्ति जगत जननी भगवती शिवा और शिव संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा हैं। माँ की दया से कौन अनजान है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शिवर शक्ति का वही संबंध है जो शब्द और अर्थ का है, अटूट है। शिवर शक्ति के सामरस्य का जिस उपासक में उदय हो जाता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों के संयोग से ही गति होती है, क्रिया होती है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे ऊर्जा शरीर में ये शक्तियां कहां वास करती हैं। तो सहस्रार चक्र में शिव का और मूलाधार चक्र में शक्ति का वास होता है। जब हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब शिव और शक्ति का समन्वय होता है सहस्रार चक्र में, और परमात्मा से साक्षात्कार के द्वार खुल जाते हैं। अब जानते हैं भगवान शिव के 10 रौद्र अवतार किस प्रकार 10 महाविद्याओं से संबंधित है। तो सबसे पहला जो भगवान शिव का सर्वप्रथम रुद्रावतार है, वो है महाकालेश्वर रुद्रावतार, और इसकी शक्ति है महाविद्या महाकाली। इस रूप में शिव अपनी शक्ति महाकाली से प्राप्त करते हैं। शिव और शक्ति के ये दोनों अवतार उनके सभी अवतारों में सर्वाधिक उग्र और प्रचंड माने जाते हैं। महाकालेश्वर का स्वरूप जो है वो श्यामवर्णी है और वो कालों के भी काल माने जाते हैं। दूसरा रुद्रावतार महादेव का तारकेश्वर का है और इनकी शक्ति माँ तारा है। महादेव का ये दूसरा रुद्रावतार तारकेश्वर माँ तारा से संबंधित है। तारकेश्वर का स्वरूप तारे की भांति है, अर्थात नीली आभा लिए हुए पीले वर्ण का है। पश्चिम बंगाल के द्वारिका नदी के निकट महाशमशान में शक्तिपीठ माँ तारा की शक्तिपीठ है। महादेव का भुवनेश्वर रुद्रावतार उनका तीसरा रुद्रावतार है, सर्वाधिक शांत और शीतल माना जाता है, और इनका स्वरूप भी शीतल श्वेत है। इनकी शक्ति का स्रोत माँ भुवनेश्वरी है। इनका शक्तिपीठ उत्तराखंड में नारद गंगा के तट पर स्थित है। भगवान शिव का चौथा रुद्रावतार है षोडेश्वर, और इनकी शक्ति देवी मातृपुर सुंदरी हैं, जिनको षोडशी महाविद्या भी कहा गया है। महादेव के इस रुद्रावतार को मोक्षकारक माना गया है। महादेव का ये स्वरूप 16 कलाओं वाला है। मां त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ उदयपुर के निकट स्थित है। भगवान शिव का पांचवा रुद्रावतार भैरवनाथ है और मां भैरवी इनकी शक्ति है। भैरवनाथ को तामसिक देव भी कहा जाता है। मां भैरवी की दो शक्तिपीठ हैं। इनमें से एक उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और जो दूसरा है वो गुजरात में गिरनार के पास है। छठवां जो स्वरूप है महादेव के रुद्रावतार का, वो है दामोदेश्वर या छिन्न मस्तक भी इसे कहा जाता है, और इनकी जो शक्ति है वो माँ छिन्न मस्तक है। दामोदर को शिव और भैरवी को शक्ति माना गया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में इनका शक्तिपीठ है और इनका प्रसिद्ध मंदिर चिंतपूर्णी के नाम से विख्यात है। भगवान शिव के सातवें अवतार को धूमेश्वर कहा गया है और इनकी शक्ति माँ धूमावती है। ये जो इनका अवतार है वो धुएं के स्वरूप वाला है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां धूमावती का शक्तिपीठ स्थित है। आठवां रुद्रावतार महादेव का बगलेश्वर रुद्रावतार है, जिनको बगुलामुख के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी जो शक्ति है मां बगुलामुखी है। मां बगुलामुखी के तीन शक्तिपीठ हैं, जिनमें एक हिमाचल के कांगड़ा जिले में है, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, और तीसरा मध्य प्रदेश के ही शाजापुर जिले में स्थित है। महादेव का नौवां रुद्रावतार मातंगेश्वर के नाम से जाना जाता है और इनकी जो शक्ति है वो देवी मातंगी है। देवी मातंगी से ये स्वरूप इनका शक्ति प्राप्त करता है। जहां मातंगेश्वर का स्वरूप हरा है, वहीं जो देवी मातंगी है उनको उच्छिष्ट चंडालिनी के रूप में पूजा जाता है।
माँ मातंगी का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के एक शहर झबुआ में है। महादेव का 10वां रुद्रावतार कमलेश्वर कहा गया है और इनका ये जो रुद्रावतार है कमलेश्वर का, वो अपनी शक्ति माँ कमला से लेते हैं। इनका ये स्वरूप कमल की भांति अष्टदलकारी है, अर्थात 64 कलाओं वाला है। तो इस प्रकार महादेव के ये 10 रुद्रावतार हैं, जिनकी 10 शक्तियां ये 10 महाविद्याएं हैं। और इन 10 महाविद्याओं की साधना में जिस किसी भी महाविद्या की साधना की जाती है, उनसे संबंधित शिव स्वरूप का ध्यान भी आवश्यक है, तभी देवी की ऊर्जा से, उनकी शक्ति से और उनकी कृपा से साधक युक्त हो पाता है। आद्या शक्ति के जो ये 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं, ये अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, उनको भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। 10 महाविद्याओं से संबंधित वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी दी भी है, इसको आप अवश्य देख लें। और महादेव के ये जो 10 रुद्रावतार भी हैं, ये अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, परम कल्याणकारी हैं, परम आनंदमयी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। शिव और शक्ति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।